उद्धव ठाकरे समूहनी शिवसेनाना नेता संजय राउते जणाव्युं के 13 सप्टेम्बरना रोज कार्यक्रममां वडाप्रधान मोदी पर पुष्प वर्षा करवामां आवी रही हती त्यारे जम्मू काश्मीरना अनंतनागमां सेनाना 3 वरिष्ठ अधिकारीओ शहीद थया। आ प्रकारना समाचार खूब ज अस्वस्थ करनारा छे। सरकारे आ मुद्दे हजु सुधी कोई निवेदन जारी कर्युं नथी। वडाप्रधान मोदीए मध्यप्रदेशमां बीना रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स अने 10 औद्योगिक प्रोजेक्टोनो शिलान्यास कर्यो, ज्यां पीएम मोदीए कह्युं के मने घणी परियोजनाओनो शिलान्यास करवानी तक मळी छे, जे मध्यप्रदेशना विकासने नवी गति आपशे। आ प्रोजेक्टथी रोजगारनी तको वधशे अने राज्यनी साथे देश पण आगळ वधशे। छत्तीसगढ़ना रायगढ़मां जाहिर सभाने संबोधित करता पीएम मोदीए जणाव्युं के थोड़ा दिवस पहला G20 समूहना प्रतिनिधिओ भारतना प्रवासे आव्या। देशमां थयेला विकासलक्षी कार्योने जोई खूब ज प्रभावित थया। देशना तमाम राज्यो अने क्षेत्रमां विकासने समान महत्व आपवामां आव्युं छे। वडाप्रधान मोदीए जणाव्युं के देश पोतानी उपलब्धिओनो उत्सव उजवी रह्यो छे। थोड़ा दिवस पहला वैज्ञानिकोए भारतने चंद्रयान 3 सफल लेन्डिंगना भागरूपे एक मोटी भेट आपी। भारतनुं चंद्रयान त्यां पहोंच्युं छे, ज्यां अत्यार सुधी विश्वनो एक पण देश पहोंची शक्यो नथी। विश्वना लोको कही रह्या छे भारतनुं चंद्रयान सौथी श्रेष्ठ छे। आगामी 18 सप्टेम्बरे संसदनुं विशेष सत्र योजाशे, जे अंगे सरकारे एजेंडा जाहेर कर्यो। आ दरमियान भाजपे तेना सांसदो माटे व्हीप जारी कर्यो। भाजपे लोकसभा अने राज्यसभा बंनेना सांसदोने गृहमां हाजर रहेवानो आदेश आप्यो छे। लोकसभा अने राज्यसभा सचिवालये ताजेतरमां माहिती आपी के संसदनुं विशेष सत्र 18 सप्टेम्बरथी शरू थवा जई रह्युं छे। दोषित नेताओना आजीवन चूंटणी लड़वा पर रोक लगावानी अरजी पर एमिक्स क्यूरी विजय हंसारिया सुप्रीम कोर्ट ने 19 रिपोर्ट सौंपियो छे। एमिक्स क्यूरीए रिपोर्ट में कह्यु छे कि जो कोई नेता दोषित होय तो तेना चूंटणी लड़वा पर 6 वर्षना प्रतिबंधनी जगह आजीवन प्रतिबंध मूकी देवो जोईए। देशभरमां सांसदो अने धारासभ्यो सामे लंबित केसनी संख्यामां सतत वधारो थई रह्यो छे। ઇન્ડિયા ગઠબંધને 10 ચેનલના 14 એન્કરનો બહિષ્કાર કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે। તેમણે બહિષ્કૃત એન્કર્સનું લિસ્ટ જારી કર્યું છે, જેમાં અદિતિ ત્યાગી, અમેશ દેવગન, આનંદ નરસિંહા, અર્ણવ ગોસ્વામી, અશોક શ્રીવાસ્તવ, ચિત્રા ત્રિપાઠી, ગૌરવ સાવંત, નવિકા કુમાર, પ્રાચી પરાસર, સુધીર ચૌધરી, સુશાંત સિન્હા અને શિવ અરૂર સામેલ છે। विपक्षी इंडिया गठबंधन की समन्वय बैठक बाद भोपाल में संयुक्त रेली आयोजन करने निर्णय ले। डीएमके धारासभ्य डी आर बालूए कहू कि 2 डजन राजकीय पक्षों समर्थन मेलवनार इंडिया गठबंधन की पहली रेली भोपाल में ऑक्टोबर महीना पहला सप्ताह में योजाई शके। विपक्षी इंडिया गठबंधन की समन्वय बैठक निष्फल साबित थी तेवा भाजपा आरोप पर प्रतिक्रिया आपता राज्यसभा सांसद उद्धव ठाकरे जणाव्युं के अमारो विषय छे, भाजपे पोतानी बाबतो पर ध्यान आपवुं जोईए, केन्द्र सरकारे जम्मू काश्मीर पर वधु ध्यान आपवानी जरूर छे। एनसीपी पार्टीना कार्यकारी अध्यक्ष अने लोकसभाना सांसद सुप्रिया सुलेए जणाव्युं के मोंघवारी, बेरोजगारी, खेडूतोनी समस्या जेवा मुद्दा क्यारेक केन्द्र सरकारना एजेंडामां सामेल करवामां आव्या नथी। आ खूब ज निराशाजनक छे, कारण के अमे सारा काम, सारी चर्चाओ अने कई कई योगदान आपवा माटे दिल्ली जईए छीए। अमे सारा निर्णयो अने नीति थकी राष्ट्र निर्माणना सहभागी बनवा मांगीए छीए, परंतु वर्तमान केन्द्र सरकारना शासनमां आवुं थशे तेवुं लागतुं नथी। उद्धव ठाकरे समूहनी शिवसेनाना नेता प्रियंका चतुर्वेदीए जणाव्युं के भाजपना नेता वारंवार विपक्षी इंडिया गठबंधन विषे वात करे छे। भाजपना नेताओ पहला कहता हता कि विपक्षी इंडिया गठबंधन अंदरोंदर वाद विवादना कारणे खत्म थई जशे, परंतु एवुं थयुं नथी। वास्तविकता तो ए छे कि इंडिया गठबंधनमां कोई समस्या नथी। इंडिया गठबंधननी कोर्डिनेशन कमिटीनी पहली बैठक गईकाले शरद पवारना घरे योजाई। आ मामले उत्तर प्रदेशना उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य निवेदन आपता जणाव्युं
2024 एनडीए गठबंधन ज उत्तर प्रदेश में तमाम सीटों जीतशे अने कोई दल राज्य में खातु पण खोलावी शकशे नहीं। सुप्रीम कोर्टे ऐतिहासिक पहल करता तमाम पेंडिंग केसना डेटा ने नेशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रीड पर अपलोड करवानो निर्णय कर्यो छे। उल्लेखनीय छे कि सुप्रीम कोर्ट अत्यार सुधी में एनजेडीजी दायरानी बाहर थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़े तेनी शुरुआत करी छे। सीजेआई चंद्रचूड़े तेनी जाहरात करता कहूं कि आ पारदर्शकता और जवाबदारी लावा माटेनु पगलू छे। हाल 80,000 केस पेंडिंग छे। मुंबई एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट विमान क्रेश थवानी घटना बनी। आ विमान में 6 मुसाफरो अने 2 क्रू मेंबर सवार हता। खराब हवामानना कारणे प्लेन क्रेश थयुं होवानी माहिती सामे आवी छे। मुंबई एयरपोर्ट पर तमाम विमानोनुं टेक ऑफ अने लेन्डिंग हंगामी धोरणे बंद करी देवामां आव्युं हतुं। पटनामां डेंग्यूना केसीसमां वधारो थई रह्यो छे त्यारे स्थिति वधु न वकरे ते माटे स्थानिक वहीवटी तंत्रए बीमारीने अटकाववा माटे योग्य पगलां लीधा छे। प्रदेशना दरेक वोर्डमां डेंग्यू वोर्ड शरू करवामां आव्यो छे। आ साथे ज अनेक स्थळों पर दवानो छंटकाव पण करवामां आव्यो हतो। केरळमां नीपा वायरसनो कहर यथावत छे त्यारे प्रदेशना आरोग्य मंत्री वीणा जॉर्जे जणाव्युं के राज्यमां नीपा वायरसनो वधु एक केस सामे आव्यो छे। आम राज्य में निपा वायरस की संक्रमित लोगों की संख्या वधी अने 5 थई गई छे। कोझीकोड में 24 वर्षीय स्वास्थ्य कर्मचारी निपा वायरस की संक्रमित छे अने तेने खानगी हॉस्पिटल में एडमिट करायो छे। देशना मोटा भागना क्षेत्र में घणा दिवसोथी वरसादी सिस्टम सक्रिय नथी त्यारे हवामान विभागे दिल्ली अने तेनी आसपासना क्षेत्र में 17 सप्टेम्बर सुधीना समयगाळा दरमियान हळवाथी मध्यम प्रमाणमां वरसादनी शक्यता व्यक्त करी छे। हवामान विभागे उत्तर प्रदेश अने बिहारमां वरसादी सिस्टम हजु थोड़ा दिवसो सक्रिय रहेशे तेवी आगाही करी छे। ભારતમાં G20 સમિટની સફળતાપૂર્વક યજમાની બદલ પાકિસ્તાનમાં કેટલાક નાગરિકોએ પીએમ મોદીની પ્રશંસા કરી। આ સાથે જ કેટલાક લોકોએ પાકિસ્તાની સરકારની નિષ્ફળતાઓ મુદ્દે સવાલ ઉઠાવ્યા। એક પાકિસ્તાની નાગરિકે જણાવ્યું કે અમે જ્યારે અમારી અર્થવ્યવસ્થાને બચાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ ત્યારે ભારતે ટોચના 20 દેશોની યજમાની કરી। આ ભારતવાસીઓ हवामान विभाग द्वारा आगामी 5 दिवस वरसाद की आगाही कर आगामी 5 दिवस सुधी राज्य में हलवो थी लई अने मध्यम वरसाद पड़ी शके। 16 तारीखे आणंद अने पाटण सिवाय तमाम जग्या पर वरसाद वरसे। 16-18 सप्टेम्बर सुधी भारे वरसाद की शक्यता व्यक्त कराई छे। द्वारकाना खंभाळिया पंथक में लांबा विराम बाद वरसादी माहौल छवायो। वातावरण में एकाएक पलटो आवता अनेक विस्तारों में वरसाद वरस्यो जेना कारणे पाक ने जीवतदान मळ्युं छे। खेडूतों में आशानी किरण जागी छे। अमरेलीना खांभाना गीर पंथक में मेघराजाए धमाकेदार बेटिंग करी। खांभाना डेडाण रायडी पाटी नेसड़ी मुंजियासर जीवा पर राकुड़ा सहित ग्राम्य विस्तार में वरसाद वरस्यो। लांबा विराम बाद वरसाद थी खेडूतों में खुशी माहौल जोवा मळ्यो छे। विधानसभामां चोमासु सत्रना बीजा दिवसे गृहमां राज्यना सहकार मंत्री जगदीश विश्वकर्माए गुजरात खेत उत्पन्न बजार अने खरीद वेचाण अधिनियम सुधारा विधेयक बिल गृहमां रजू कर्यो जे विपक्षना विरोध वच्चे बहुमतीना जोरे पसार थयुं। कांग्रेसना धारासभ्य अमित चावड़ाए बिलनो विरोध कर्यो अने आ बिल लाववा करता सरकार खेडूतोनी आवक केवी रीते वधु थाय तेवुं बिल लावे तेवी वात करी। तो आगामी 17 सप्टेम्बर रोज केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह गुजरात आ रहा है। पीएम मोदी जन्मदिवस निमित्ते अमदावाद विश्वकर्मा समाज उपस्थित रहते। आ उपरांत वडाप्रधान मोदी जन्मदिवस की उजवणी अंतर्गत तेमना संसदीय विस्तार में कार्यक्रमों आयोजन की हाजरी आपशे। गुजरात हाईकोर्टे 16 वर्ष अने 18 महीनानी बलात्कार पीड़िता ने गर्भपात की मंजूरी आपी छे। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी माटेनी एप्लिकेशन आपवामां आवी हती जे मेडिकल केस पेपर्स जोया बाद हाईकोर्टे गर्भपात की मंजूरी आपी छे। महत्वनुं छे कि पीड़िता ने 18 अठवाडियानो गर्भ हतो जे अंगे खड़ी पोलीस स्टेशन में गुनो दाखिल करवामां आव्यो।
नॉन सहायक की 11 महीना करार आधारित भर्ती राज्य सरकार ठराव सामे विरोध सुर उठा त्यारे विपक्ष कांग्रेसे आ मामले सरकार ने घेरवा प्रयास कर्यो। प्रदेश कांग्रेस प्रमुख शक्ति सिंह गोहिले सीएम ने पत्र लखी ठराव में कायमी नौकरी आपवानी वात करी होवानो दावो कर्यो छे। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी खाते मोटी मात्रा में विद्यार्थी एकठा थया अने ज्ञान सहायक रद्द करो ना नारा साथे भारे विरोध प्रदर्शन कर्यो, जेमां अलग अलग बेनर साथे भारे सूत्रोच्चार कराया। आ विरोध प्रदर्शन में बीएड ना विद्यार्थी साथे सिंडिकेट सभ्यों ने शिक्षणविदो पण जोड़ाया हता। वलसाड़ जिलानी उमरगाम तालुका पंचायत में प्रमुख उपप्रमुखनी वरणी बाद भाजपना पूर्व धारासभ्य नो बड़ापो बहार आव्यो छे। उमरगाम नवा प्रमुख और उपप्रमुख की वरणी बाद माजी धारासभ्य शंकर वारलीए तालुका संगठन पर बड़ापो ठालव्यो। पूर्व धारासभ्य वर्तमान संगठन लोको मानमर्यादा नहीं जाळवता होवानुं जणावी रोषपूर्वक बबाल करी अने रवाना थई गया हता। आणंद जिल्लानी सोजित्रा नगरपालिकामां भाजपना पांच सभ्य बळवो करता भाजपे सत्ता गुमावानो वारो आव्यो छे। भाजप अने कांग्रेसना बे सभ्य विदेशमां होय गैरहाजर रह्या, ज्यारे भाजपना जसोदाबेन होय अरे चूंटणीमां गैरहाजर रह्या। भाजपे प्रमुख पद माटे हेतल पटेलने ज्यारे उपप्रमुख माटे दीपिका भट्टने मेन्डेट आप्युं हतुं, जेथी भाजपना पांच नाराज धारासभ्योए कांग्रेसने समर्थन आप्युं। पोरबंदर छाया संयुक्त नगरपालिका प्रमुखे ताबड़तोब जनरल बोर्ड बोलावता विपक्ष आक्रमक बन्यू। विवादित प्रमुख सरजू कारिया कार्यकाल पूर्ण थयो होवाथी पूर्व संध्या शॉर्ट नोटिस आपी जनरल बोर्ड की बैठक बोलावी। अचानक जनरल बोर्ड बोलावाता विपक्षे ते नियमनी विरुद्ध होवानो आक्षेप मूक्यो। महिसागर जिल्लाना खानपुर तालुका मंडळना प्रमुखने टेलिफोनिक धमकी मळी। मंडल प्रमुख डाहियाभाई पटेल ने कोई अजाणी व्यक्ति तालुका मंडल प्रमुख ने टेलिफोनिक धमकी आपी खानपुर तालुका पंचायत नु मेंडेट लईने जता मंडल प्रमुख ने आ धमकी मळी हती। राजकोट जेतपुर सिक्स लेन हाईवे अंगे राज्यसभाना सांसद राम मोकरिया एक निवेदन आप्यु अने कह्यु के राजकोट जेतपुर सिक्स लेन हाईवे नु टूंक समय में खातमुहूर्त करवामां आवशे, जेथी ट्राफिक नी समस्या ने लई अने मोटो फायदो थशे। राजकोट इंटरनेशनल एरपोर्ट मुद्दे राज्यसभाना सांसद राम मोकरिया नु निवेदन सामे आव्यु, तेमां कह्यु के राजकोट इंटरनेशनल एरपोर्ट ए पीएम मोदी नो ड्रीम प्रोजेक्ट हतो। तेमणे एरपोर्ट अंगे वात करता कह्यु के एरपोर्ट में जे सुविधाओनो अभाव हतो ते तात्कालिक असरथी दूर करवानी सूचना आपवामां आवी छे। तो राजकोट में इंटरनेशनल एरपोर्ट ने लई चेम्बर ऑफ कॉमर्स प्रमुख नु निवेदन सामे आव्यु। वीपी वैष्णवे नव एरपोर्ट शुरू करवामां उतावळ करी होवानुं जणाव्यु। तेमनु कहेवु छे के फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, जोताज मुसाफरो ने एरपोर्ट पर कोई सुविधा मळती नथी। नव एरपोर्ट इंटरनेशनल कक्षानुं छे परंतु हजु सुधी ते कक्षानी सुविधाओ अहीं उभी करवामां आवी नथी। लींबू हवे वधु खाटा लागशे कारण के लींबूना भावमां दरखम वधारो थयो छे। पाछला महीने होलसेल मार्केटमां लींबू 15 थी 20 रूपये किलो हता, जे वधी अने 30 थी 50 रूपया थई गया छे। पड़ती माहिती प्रमाणे साउथमांथी अने उत्तर गुजरातमांथी आवता लींबूनो पुरवठो घटी जता भाव वधारो थयो छे। वडोदराना अक्षयपात्रना 300 कर्मचारीओ पगार वधारानी मांग साथे हड़ताल पर उतरी गया। कायमी अने कॉन्ट्रेक्टना कर्मचारीओ पगार वधारो बोनस आपवा समयसर पगार आपवानी मांग साथे कलेक्टरने आवेदन पत्र आपवानो नक्की कर्युं छे। महत्वनुं छे के कर्मचारीओनी हड़तालने पगले शिक्षण समिति ई सवारीनी जे पाड़ी छे तेमां 15 शाळाना 3500 बाळको मध्यान भोजन न मळवाथी भूख्या रह्या। गुजरात में रखड़ता पशुओं त्रास थी जनता त्राहीमाम पोखारी गई छे, त्यारे रस्ता पर फरता पशुओं कारण वाहन चालकों राहदारी अने नाना बाळकों थी लई वृद्धो सतत तेनो भोग बनी रहा छे। तो बीजी तरफ तंत्र आ बाबत ने लई अने मौन सेवी रह्यु छे। वडोदरा कांग्रेस में मोटू गाबड़ू पड़ू। कांग्रेस पूर्व शहर प्रमुख ने लोकसभा चूंटणी लड़नारा प्रशांत पटेले
કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું ધરી દીધું છે. પ્રશાંત પટેલ સાથે કોંગ્રેસના અનેક હોદ્દેદારો અને કાર્યકર્તાઓએ રાજીનામા આપી દેતા કોંગ્રેસની મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ છે. પ્રશાંત પટેલ 17 સપ્ટેમ્બરે પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ સી આર પાટીલ અને ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની હાજરીમાં ભાજપમાં જોડાશે. મહેસાણા શહેર કોંગ્રેસે તોરણવાડી ચોક પાસે ધરણા પ્રદર્શન કર્યું. પાલિકાના 2.5 વર્ષના શાસનમાં ભ્રષ્ટાચાર થયાના આક્ષેપ સાથે કોંગ્રેસે ધરણા પ્રદર્શન કર્યું, જેમાં કોંગ્રેસે શાસક પક્ષ પર પાલિકા ભંડોળની માહિતી ન આપતા હોવાનો આક્ષેપ કર્યો. સાથે સાથે આગામી સમયમાં શહેર કોંગ્રેસના તમામ વોર્ડમાં રથ કાઢી અને વિરોધ કરવાનું નક્કી કરાયું છે. તો ભારત સરકારના રાષ્ટ્રીય સફાઈ કર્મચારી આયોગના ઉપાધ્યક્ષ અંજના પવાર સુરત જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીના સભાખંડમાં સફાઈ કામદારોના પ્રશ્નો બાબતે સમીક્ષા બેઠક યોજી, જેમાં શહેર જિલ્લાના વિવિધ સફાઈ કામદારના આગેવાનો તથા જિલ્લા અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સુરત જિલ્લાના અંતરિયાળ વિસ્તારમાં આવેલ હેમાદ ગામમાં બેરોકટોક રીતે તાણી દેવામાં આવેલ કમર્શિયલ બાંધકામો સામે ગ્રામવાસીઓએ ભારે વિરોધ કર્યો છે, રોષ જોવા મળ્યો છે. સણિયા હેમાદ ગામમાં કુટીર ઉદ્યોગના નામે કોઠણા ખાણા ધમધમતા હોવાના આક્ષેપ સાથે ગામવાસીઓ દ્વારા હાથમાં પ્લે કાર્ડ લઈ અને જિલ્લા કલેક્ટરે દેખાવો કર્યા હતા. નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના પરીક્ષા ખંડમાં ICARના માર્ગદર્શનમાં CIBA અને NFDB વચ્ચે થયેલા કરાર અંતર્ગત ઝીંગા ખેડૂતોનું સંમેલન યોજવામાં આવ્યું, જેમાં કેન્દ્રીય મત્સ્ય ઉદ્યોગ મંત્રી પુરુષોત્તમ રૂપાલાની ઉપસ્થિતિ રહી અને ઝીંગાની ખેતી કરતા ખેડૂતોને આવતી સમસ્યાઓનું નિરાકરણ કરવાના પ્રયાસો સાથે ઝીંગાને વીમા સુરક્ષા આપવા નવી વીમા પોલિસી જાહેર કરવામાં આવી હતી. અમદાવાદના ટાગોર હોલ ખાતે ક્રાઇમ કોન્ફરન્સ યોજવામાં આવી, જેમાં વિવિધ કામગીરી અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી, જેમાં પોલીસ કમિશનર GS મલિકે જણાવ્યું કે 8 મહિનામાં હત્યાના 77 ગુના નોંધાયા છે, જે તમામ ગુના ડિટેક્ટ કરી લેવામાં આવ્યા છે. સુરત જિલ્લા પોલીસ વિભાગમાં એક લાંચીયો હેડ કોન્સ્ટેબલ ઝડપાયો. પ્રોહિબિશનના ગુનામાં નામ જાહેર ન કરવા માટે હેડ કોન્સ્ટેબલે 50,000 રૂપિયાની લાંચ માંગી હતી, પરંતુ ફરિયાદીએ લાંચ ન આપી અને ACBનો સંપર્ક કર્યો. ટ્રેપ ગોઠવાઈ, જેમાં હેડ કોન્સ્ટેબલ પ્રફુલ્લ પટેલ લાંચ લેતા રંગે હાથ ઝડપાઈ ગયો હતો.